नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नम्रता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आप व्रत में आलू कटलेट कैसे तैयार करेंगे। और ये बनाना बहुत ही आसान है, झटपट आप इसे तैयार कर सकते हैं। आइए तो यहाँ हम सीखते हैं। आलू कटलेट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आप यहाँ पर देखेंगे। 3 से 4 मैंने आलू ले लिया है बॉयल करके। ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश, जो कि मैंने, ये देखिए आप, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे कर लिया है। इस तरीके से आप बारीक कर लेंगे। धनिया पत्ता मैंने बारीक कट करके ले लिया है, हरी धनिया। काली मिर्च पाउडर मैंने आधा चम्मच लिया है। सेंधा नमक मैंने लिया है, आप नमक अपने अनुसार डालेंगे, मैंने 2 चम्मच ले लिया है। 250 ग्राम मैंने मूंगफली का तेल लिया है। मूंगफली का तेल फलाहारी होता है, अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में। सिंघाड़े का आटा मैंने ले लिया है 50 ग्राम। अब हम आलू को फोड़ देंगे अच्छे से। दोस्तों, इसकी मदद से मैं अच्छे से आलू को फोड़ दूंगी, आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखेंगे आलू को मैंने फोड़ के तैयार कर लिया है। धनिया पत्ता, काली मिर्च, सेंधा नमक, इन सभी को डाल दिया है। अब हम इन सभी को मिक्स कर लेंगे। हल्का हाथ में हम पानी लगा लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद ऐसे करके ड्राई फ्रूट्स को हम इसके अंदर भर देंगे, और उसके बाद हल्का पानी लगा के रोल कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे तैयार करेंगे। फिर सिंघाड़े के आटा में इस तरीके से लगा देंगे चारों तरफ से। इसी तरीके से सारा हम बना लेंगे। देखेंगे सारा रोल मैंने तैयार कर लिया। इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है। गैस को कम करके हम इसे पकाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। देख सकते हैं रोल हमारा अच्छे से पक गया है, कलर भी चेंज हो गया है, ब्राउन कलर में हो गया है। इस तरीके से हम अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप सारा तल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सारा मैंने तल लिया है। दोस्तों, अगर आप व्रत में बनाते हैं तो आप सिंघाड़ा का आटा का लेप लगाते हैं, नहीं तो आप अरारोट और सूजी में भी आप इसे बना सकते हैं, बेसन में भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये होता है इस तरीके से आप अगर बनाते हैं तो। कटलेट हमारा बन के तैयार है। हरी धनिया टमाटर की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।